कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीजेपी देश को गुलाम बना देगी वाले बयान पर गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशोर ने कहा, इससे पता चलता है कि उम्र का कितना असर होता है। इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तब वो ऐसे ही बोलता है। देश 10 साल से देख रहा है कि राम राज्य में हिंदू और मुसलमान सब खुश हैं, हम चांद पर पहुंच गए हैं और वो ऐसे बोल रहे हैं। खड़गे साहब, आपको तुरंत आराम की जरूरत है। हिमालय पर एक जगह है, मैं आपको उस गुफा के बारे में बता दूंगा और आप वहां चले जाएंगे। आपको वहां जाने की आवश्यकता है, वहां कैसे पहुंचना है इसका पता मैं भेज दूंगा। इससे पता चलता है कि उम्र का कितना देखिए असर होता है। कहल जाला ना, आदमी थोड़ा सा बुढ़ौती में, थोड़ा भोजपुरिया में वो कहावत बा, उम्र का तकाजा है। 10 साल से तो देश देख रहा है। देश तो इस वक्त राम राज्य में इतना आनंदित है, हिंदू मुसलमान सब लोग प्रसन्न है। 10 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, आतंकवादी गायब हो गए, सब लोग भाग गए और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में जा रहा है। विश्व गुरु के पद पर, चंद्रमा तक, चांद तक हम लोग पहुंच गए। ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या भारत था, क्या भारत हो गया? इतना शक्तिशाली भारत हमने कभी नहीं सोचा था जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 सालों में बनाए। खड़गे साहब, कृपया आपको एकदम सख्त तुरंत जितना जल्दी हो, आपको आराम चाहिए। आप एकदम पहाड़ के हिमालय पे एक जगह बा, हम बता दे वो गुफा में चल जा, आपके सख्त जरूरत बा, और वो कैसे जाए के हो हम पता भेज दे। घाटकों पर होर्डिंग गिरने की घटना पर एनडीआरएफ इंस्पेक्टर विजय जांगिड़ ने कहा, घटनास्थल से 69 लोगों को निकाला गया था, जिसमें से अस्पताल में ले जाने के बाद 4 की मृत्यु हो गई और 4 शव को निकाला गया है। बचे हुए लोगों को बचाने का काम जारी है। यहाँ पर हमारी 2 टीमें आई हैं, एक 28 की, एक 25 की। टोटल 53 स्ट्रेंथ हमारी आई है। इसमें टोटल 69 विक्टिम लाइव निकाले थे, जिसमें से हॉस्पिटल ले जाने के बाद में 4 डेथ किए हैं और 4 डेड बॉडी निकाली गई है। वो इसके अंदर हमारे इक्विपमेंट कटिंग करने वाले हैं, वो इसके अंदर यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गैसोलीन और इक्विपमेंट यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर स्पाइडर कटर मशीन लगाई गई है और जेक द्वारा इसको उठाकर हम जो विक्टिम बचे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश जारी है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के निधन पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मेरे बड़े भाई और परम मित्र सुशील मोदी नहीं रहे, अभी भी ये विश्वास नहीं होता। मेरा और उनका बरसों पुराना रिश्ता था, वो मौलिक चिंतक, कुशल संगठक, सफल प्रशासक थे। बीजेपी के काम को बढ़ाने में उनका अतुलनीय योगदान था। बिहार के विकास में उनके योगदान को कोई नहीं भूल सकता। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की क्षमता दे। मेरे बड़े भाई, परम मित्र सुशील जी नहीं रहे, अभी भी ये विश्वास नहीं होता। मेरा और उनका बरसों पुराना रिश्ता था। 1974 में जब जेपी मूवमेंट प्रारंभ हुआ, जेपी आंदोलन शुरू हुआ, तब मैं भोपाल में एक स्कूल का प्रेसिडेंट था। तब से मैं उन्हें जानता था। साथ काम करने का सौभाग्य मिला विद्यार्थी परिषद और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ काम किया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के निधन पर बीजेपी नेता सुशील कुमार सिंह ने कहा, मैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी के निधन की खबर सुनकर सुन रह गया। उनका इस तरह से चले जाना पार्टी परिवार देश विदेश और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को धैर्य प्रदान करे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के निधन की खबर अभी अभी सुनकर मैं बहुत सन्न रह गया। बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी परिवार देश प्रदेश और समाज के लिए हम सबों के नेता का इस तरह चले जाना बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और इस मार्मिक बेला में सुशील मोदी जी के परिवार को धैर्य प्रदान करें, सहन शक्ति दें। ओम शांति। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के निधन पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, बड़ा दुखद समाचार सुशील मोदी के बारे में मुझे मिला। वो हमारे बीच नहीं रहे, वो पार्टी से सभी को हिम्मत प्रदान करते थे और मार्गदर्शन देते थे। आज उनकी कमी खल रही है, उनकी भरपाई निकट भविष्य में कहीं नहीं दिख रही है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दे।
अकस्मात बड़ा ही असहनीय दुखद समाचार परम श्रद्धे माननीय सुशील मोदी जी के बारे में मिला कि वो हमारे बीच नहीं रहे। बड़ा ही मर्माहत करने वाला और ये अंदर से झकझोरने वाला, जो व्यक्ति आज वर्षों से विद्यार्थी परिषद से लेकर विधायिका कार्य से लेकर नेता प्रतिपक्ष उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कई पद को सुशोभित किए और उस पद को सुशोभित ही नहीं एक अनूठा मिसाल पेश किए। आज हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पार्टी में हिम्मत प्रदान करते थे, मार्गदर्शन देते थे, सामाजिक समरसता के वातावरण में उनका एक अनूठा मिसाल था विकास की गति बढ़ाने में। जब बिहार के अंदर विपरीत राजनीति चल रही थी वैसे समय उनके जंगल राज के वातावरण में संघर्ष का जो मिसाल था, हम लोग उस समय जुड़े थे और सचमुच में आज उनकी कमी खल रही है।